नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपने CSC में नाम ट्रांसफ़र के लिए यानी कि नेम चेंज करने के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन किया है, तो ऑनलाइन आवेदन अगर आपका रिजेक्ट होता है तो CSC की तरफ से क्या मैसेज दिया जाता है या क्या स्टेटस आपको दिखाया जाता है, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही ये भी बताऊँगा कि अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर क्लियरली लिखा हुआ है, आफ्टर अप्लाइंग फॉर चेंज ऑफ नेम इन द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ द रिस्पांस गिवन बाय CSE लिमिटेड व्हेन द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन। यानी कि आपने नाम चेंज करने के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन किया है, तो अगर आपका आवेदन यानी कि आपका एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो CSE की तरफ से क्या रिस्पांस दिया जाता है, यानी कि क्या जवाब दिया जाता है नॉर्मली, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, CSE की तरफ से दो तीन तरह का जवाब दिया जाता है यानी कि रिस्पांस दिया जाता है अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। तो सबसे पहला आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है एनेक्सर A1 इनकरेक्ट, दूसरा है एनेक्सर A2 इनकरेक्ट, तीसरा है वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर रीजनल ऑफिस। तो ये जनरली यानी कि नॉर्मली ये तीन तरह का ही रिस्पांस या रिप्लाई आपको दिया जाता है CSE की तरफ से अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। तो पहला तो ये दिया जाता है कि आपका आपने जो एनेक्सर A1 फिल किया है वो गलत है, या ये दिया जाता है आपने जो एनेक्सर A2 फिल किया है वो गलत है, या एनेक्सर A1 या एनेक्सर A2 में अगर और कोई ज़्यादा कुछ गलती है या इसके अलावा कोई अदर गलती है तो आपको मैसेज दिया जाता है वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर रीजनल ऑफिस। ठीक है, तो देखिए CSE का जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं नाम चेंज करने के लिए, तो वहाँ एनेक्सर A1 और एनेक्सर A2 दो फॉर्म है, दोनों फॉर्म फिल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हर कंडीशन में दोनों फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, एक फॉर्म या तो एक फॉर्म एनेक्सर A1 भी फिल कर सकते हैं। कुछ कंडीशन है, कुछ सिचुएशन है जिसके कारण दोनों फिल करना पड़ता है, अदरवाइज़ एक ही फिल करने से आपका काम हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ कि ये जो रीज़न बताया जाता है CSE की तरफ से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो चलिए ये मैं आगे मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कॉन्टेक्ट योर CSE रीजनल ऑफिस। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप CSE के रीजनल ऑफिस में जाएँ और आपने नाम चेंज करने के लिए जो एप्लीकेशन किया है वो एप्लीकेशन साथ में लेके जाएं, और कोई अपना एक ID एड्रेस प्रूफ साथ में लेके जाएं, ओरिजिनल एड्रेस या ID प्रूफ, और साथ में आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है तो एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लेके जाएं। ये तो एक ऑप्शन हुआ। और यदि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोगों के पास समय नहीं है, तो यदि आपके पास समय नहीं है, आप CSE के ऑफिस में रीजनल ऑफिस में नहीं जा सकते हैं समय के अभाव के कारण, तो दूसरा जो ऑप्शन है यानी कि दूसरा जो सोल्यूशन है आप वो कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन ये है, फॉर सपोर्ट ऑन दिस सर्विस काइंडली सेंड SMS फॉरम योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, टाइप CESE स्पेस OL एंड सेंड इट टू 56070 और व्हाट्सएप एट 8585079399 और 8585079400। CSE सपोर्ट टीम सेल कॉन्टेक्ट यू टू प्रोवाइड असिस्टेंस। तो अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप सिंपली अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS लिखेंगे जिसमें लिखेंगे CESE, उसके बाद एक स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे OL, और इसको ये लिखने के बाद, जैसा कि दिखा हुआ है स्क्रीन पर, एक ये लिखने के बाद आप इसको 56070 पे सेंड कर देंगे। लेकिन ये SMS आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करना पड़ेगा, तभी जो है सो आपका
समस्या का समाधान जल्दी हो पाएगा। तो आपका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है कि CSC में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे रजिस्टर्ड करना है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप सर्विस है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा सोल्यूशन, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS भेजें या आप व्हाट्सएप करें, आप अपना प्रॉब्लम बताएं व्हाट्सएप नंबर पे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब डॉक्यूमेंट्स को आप फ़ोटो खींच के सेंड करें, या तो आप CSC के तरफ CSC को एक SMS भेजें, तो CSC का जो सपोर्ट टीम है आपको कांटेक्ट करेगा और आपका जो समस्या है उसका समाधान करेगा, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको करके देगा। तो ये दूसरा रास्ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।